नमस्कार, मैं हूं अर्पिता पड़ासर और आप देख रहे हैं पाठक की नजर से। छपरा सारण लोकसभा के निवर्तमान सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी का आज शहर भर में हुआ रोड शो, उमड़ा जनसैलाब। आपको बता दें कि आज शहर के भिखारी ठाकुर चौक से गुदरी बाजार तक भाजपा के द्वारा रोड शो किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यरत समर्थक रहे साथ में। वहीं राजद की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने छपरा में मोदी के आगमन को लेकर कहा है कि वह उनके तरफ से भाजपा के नेताओं को एवं मोदी को निमंत्रण दिया गया है चाय पीने के लिए। चाचा भतीजी साथ में चाय पियेंगे और चर्चा करेंगे सारण के विकास पर। पत्रकारों ने जब जंगल राज्य के बारे में पूछा तो सुनिए क्या कहा रोहिणी आचार्य ने। हालांकि इस वायरल वीडियो पर काफी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की है। सुनिए क्या कहा भाजपा नेताओं ने, खासकर भाजपा महिला नेत्रियों ने क्या सलाह दिया राजद प्रत्याशी को, सुनिए। मेरे साथ आइए, मरौरा में बैठ के चाय पियेंगे, चाचा भतीजी लोग बैठ करके चाय पियेंगे, मिठास घोलेंगे सारण में और हम लोग चर्चा करेंगे कि कब आ रहा। हेलो, धीरे धीरे आराम से, आप लोग धक्का मुक्की मत कीजिएगा, बहुत धक्का मुक्की सुबह से चल रहा है मेरा। बोलिए क्या। वैश्य समाज को बीजेपी अपना वोट बैंक समझती रही, आज पहली बार इतनी बड़ी संख्या में आपको समर्थन मिला, क्या कहेंगे इसको? समर्थन है, ये बेटी का वेलकम लोग किए हैं, बेटी है ये, बेटी है, ऐसी बेटी है कि जो सबको ही चाहता है कि ये इस तरह की बेटी घर में हो। तो वह समाज की मैं बेटी हूँ, आज से बेटी बन गई हूँ, इन्होंने मुझे बेटी का उपाधि दिया है। तो ये तो मेरा, ये भी मेरा मायका है, ये भी मेरे घर वाले हैं। तो अब बेटी का धर्म है कि सेवा करने का, अपने परिवार के साथ साथ में खड़ा होने का। तो ये बेटी हर समय अपने, हर समय व्यवसायियों को डराया जाता है कि जंगल राज वापस आ जाएगा, इस तरह की बातें कही जाती है। जंगल राज कहाँ पे है? जंगल राज है भाजपा के साथ बैठे हुए हैं। मणिपुर में कौन सा राज चल रहा है? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, कौन सा राज था उसमें? तो महाजंगल राज भी बोल दिया गया था। जज जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज थे बोले थे ना, तो वो आप लोग कैसे भूल जाते? कभी आपने ये सवाल पूछा है कि आपको महाजंगल राज बोला जाता है? जंगल राज लालू जी के राज को इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने हर जुल्म करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया, अधिकार दिया, गरीबों गुरबों को अधिकार दिया कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो। जो लोग उस जगह से निकलते थे सर पे चप्पल रख कर के निकलते थे ना। अच्छा कोई कार्यक्रम रखा गया है इस भिखारी चौक से और नगर भ्रमण करते हुए पूरा कटहरी बाग का समाज होगा, उसके लिए यहाँ उत्साहित कार्यकर्ता आए हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, लोजपा आर और लोक मोर्चा के, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के भी सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। जैसा आप देख रहे हैं छपरा के मेयर, डिप्टी मेयर, सब लोग यहाँ इकट्ठी हैं और सब लोग अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं, वो आएंगे। वैसे ही हम लोग उसका राजनीति का कोई अनुभव नहीं है, जो बगल से कुछ सिखाते हैं वह बोलती है और फिर खुद भूल जाती है। तो हम लोग तो यहाँ लालू प्रसाद यादव से चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं रोहिणी आचार्य का नाम नहीं है आता हुआ, तो वह एक सिंबॉलिक मार्क है मात्र है। हम लोग और हमारे नेता राजीव प्रताप रूढ़ी भी लालू यादव से लड़े, आपके राजगिरी देवी से लड़े, उनके शांति जी से लड़े, अब एक बेटी आई है, इसके बाद वह परिवार का फिर कोई आगे नाम नहीं लेगा चुनाव लड़ने का। 2024 में जनता सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी को चाहती है, देश का विकास विश्व में हमारा 5वां स्थान हुआ है यह लोग देख रहा है। आधी आबादी जो महिलाएं हैं विशेष करके, वो अपने आदरणीय नेता नरेंद्र भाई मोदी का योगदान करने में लगे हैं। समझ रहे हैं हुए हैं और जन
हमेशा के लिए छपरा रहे हैं। तो ये उनका बरप्पन है कि उन्होंने ये बात कहा है। और जहाँ तक विकास पे चर्चा करने की बात है, तो देखिए कोई भी नई शुरुआत अगर आदमी इंसान चाहे तो क्यों नहीं कर सकता है। अगर दो पार्टी एक साथ मिलकर कुछ अच्छा करना चाह रही है, अगर उनके दिमाग दिल में या मन में ये बात है, तो इस पर भी हम विचार कर सकते हैं। और हमारे मोदी जी कभी विकास की जहाँ भी बात होती है वो पीछे नहीं रहते हैं, चाहे वो किसी भी पक्ष से आए विपक्ष से आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे मोदी जी विकास की जहाँ बात होती है वो हमेशा आगे रहते हैं। जीत के प्रति क्या कहेंगे आप रूही? हमारे पूरे छपरा वासियों की तरफ से, पूरे सारण की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं चाहती हूँ कि वो जीत की ओर बहुत अच्छी तरीके से अग्रसर हो। देखिए जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं, अभी सांसद हैं वर्तमान में राजीव प्रताप रूढ़ी जी की महिमा मंडली हर जगह सुन के विपक्षी बहुत घबरा गए हैं। और जब हमारे एक सांसद से घबरा गई हैं हमारी विपक्षी, वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रित कर रही हैं चाय पे, तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी के कार्यों को लेके कि वह कितना अच्छा और कितना विकास के मुद्दे को लेके आए हैं कि विपक्षी भी माननीय प्रधानमंत्री जी को चाय पे आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आए और हमारी भी पार्टी को मजबूत करें। क्योंकि वर्तमान की भारत की राजनीति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बिना संभव नहीं है, यह विपक्षी भी जान रहे हैं और इन चीज़ों से वह घबराए हुए हैं। अगर माननीय अभी हम अगर यहाँ पे बात करें कि जीत की और क्या स्थिति होगी रूढ़ी जी की, तो मैं आश्वस्त कर देती हूँ उन्होंने आज तक जितने भी मतों से विजय पाई है इस बार उससे भी कहीं अधिक मतों से वो विजयी पाएंगे। क्योंकि सामने कोई हाथी नहीं चींटी के समान खड़े हैं, यह निश्चित है। चींटी को मसलने का काम करेंगे और यह भारी मतों से, बहुमत से, जनता के आशीर्वाद से जीतने का काम करेंगे। सारण की धरती उनको जीतकर सांसद भेजने का काम करेगी। बोलेंगे कि चाय पर हम राजद के सारा परिवार को बुलाएंगे, राजद के पार्टी को बुलाएंगे और अपने पार्टी में चाय पिलाएंगे। इसलिए चाय पिलाएंगे कि हम लोग जीत रहे हैं चुनाव, जीतने के बाद चाय भी पिलाएंगे। और जो मरहावरा में वो बोल रहे हैं कि आगे चाय पीजिए, इसलिए वो बोल रहे हैं कि उनका चीनी मिल बंद कराया हुआ उन्हीं का है, मोटेन मिल वहीं बंद किए, सारण में मिल वहीं बंद किए, राजद का ही बंद किया हुआ है लालू प्रसाद यादव का, उन्हीं के रीजन में सारा मिल बंद हो गया। अब चालू करके वहाँ पे फिर से वहाँ पर हम लोग चालू करेंगे और उनको चाय पिलाएंगे। मिला है भाजपा को यहाँ भारत के, और लालू जी दोनों एक दूसरे के विपरीत बातें हैं। लालू जी और विकास लगता है कि सिंगापुर से आई हैं, उनको यहाँ बिहार के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। 15 वर्षों के लालू और आवरी के शासनकाल में क्या हुआ बिहार के साथ वो सभी लोग जानते हैं। और मजेदार बात है कि वो चर्चा विकास पर करना चाहती है। लालू जी के शासन में मरहौरा में जो सारी मिलें थी सब बंद हो गई, और बंद हो गई तो क्यों बंद हो गई अपने पिताजी से पूछे ना, वो पहले पिताजी से चर्चा कर लें उसके बाद राजीव प्रताप रूढ़ी जी से चर्चा करें। मेरा यही प्रश्न है कि छपरा की बेटी है स्वर्या है या फिर जो राजद की प्रत्याशी है, पहले ये बता दें। अगर लेकिन तो फिर स्वर्या कौन है, चंद्रिका बाबू की लड़की कौन है, वो कहाँ की बेटी है, इसका प्रश्न का तो जवाब दें कि वो कहाँ की बेटी है। छपरा की तो सारण की धरती की बेटी तो वही है, इनका छपरा से क्या लेना देना है? चुनाव में पहले कितने दिन छपरा ही आई हुई, छपरा की बेटी का प्रश्न तो चंद्रिका बाबू की लड़की को मिलना चाहिए।